Hello everyone, welcome to my channel's VS Education Shop. Today I am here to discuss the Hindu editorials ki vocabulary. My dearest friends, in this video apan discussions karenge the Hindu ki jo vocabulary hai, articles mein se wo apan discussions karenge with the sentence ke saath. To please aap complete video dekhiyega. Agar aapko koi doubts lage, koi bhi words nahi samajh mein aaye, comment box mein comment kijiyega. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, विद सेंटेंस के साथ डिस्कशंस हो गए तो प्लीज ध्यान से बने रहिएगा. ओके, मैं बता दूं आपको, रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है एवरी डे मॉर्निंग्स में. आपकी इंग्लिश अगर इंग्लिश में अगर वीक है, इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आते आपके मॉक टेस्ट में, किसी भी एग्जाम्स में, तो आप इस सेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, आईबीपीएस क्लर्क मींस इनका भी एग्जाम से आपको मालूम है, आईबीपीएस क्लर्क मींस के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए. अगर नहीं डाउनलोड किए तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा. ओके, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एफसीआई हो गया, एसएससी के एग्जाम्स हो गए, किसी भी एग्जाम्स हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है. तो उसी से बेसिस पे मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता हूँ, आपको सेशंस वर्ड्स प्रोवाइड करता हूँ अच्छे लेवल पे, 100% आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो रही होगी अगर आप रेगुलर देखते हैं, रेगुलर फॉलो करते हैं तो. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए, वन बाई वन वर्ड्स देखेंगे. देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सेशंस में होने क्या वाला है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कशंस करेंगे जो जो एक तरह से कह सकते हैं पूरे न्यूज़पेपर्स में आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बनेंगे, उस न्यूज को अपन डिस्कशंस करेंगे. राइट, सेकंड अपन डिस्कशंस करेंगे वो आर्टिकल्स में. आर्टिकल्स डिटेल्स में आपको नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये बता दूंगा कि इस आर्टिकल्स में से मैंने वोकैबुलरी निकाली है. ओके, एंड देन थर्ड अपन वोकैबुलरी डिस्कशंस करेंगे. वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी विद सेंटेंस के साथ प्लस सेंटेंस लिख देता हूं एस. एंड फोर्थ अपन डिस्कशंस करेंगे सारे वर्ड्स का एक बार रिविजन्स. तो इस फोर्थ पार्ट में ये आपका पूरा का पूरा सेशंस डिवाइड रहेगा. तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा पूरा सेशंस. अगर आपको लगे इसमें मेरे को डाउट है, कोई भी आपको डाउट लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. नेक्स्ट आइए, आपके मोटिवेशन कोड है फोकस मोर. अब आपके 8th of January 2020, तो मोटिवेशन कोड हेरिटेज फॉर मोर. फोकस मोर ऑन योर डिजायर्स देन ऑन योर डाउट्स एंड द ड्रीम्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. यानी कि अपनी शंकाओं पर अपनी इच्छा से अधिक ध्यान केंद्रित करें और सपना अपना ध्यान रखिएगा. इट मीन्स अपनी इच्छाओं जो इच्छाओं से अधिक. देखिए, अपनी शंका जो आपका हेजिटेंट, बहुत से लोगों की, बहुत से स्टूडेंट्स एक तरह से कह सकते हैं शंका में रहते हैं, अपनी शंकाओं पर अपनी इच्छा से अधिक ध्यान केंद्रित करें. राइट, अपनी इच्छा से जो आपकी इच्छा है उसके बेसिस पे अपनी शंकाओं को कमजोर ना होने दें. बहुत से स्टूडेंट्स को शर्म शंका एक तरह से कह सकते हैं आती है, तो याद रखिए उसको एक तरह से इग्नोर करके अब अपनी जो उसको ताकत बनाइए. ओके, तो उसी के बेसिस पे ये एक मोटिवेशन स्कोर कही गई है कि हमेशा ध्यान रखिए शंका को, ज्यादा मत एक तरह से कह सकते हैं हैवी होने दीजिए. राइट, अपने ऊपर उसको फॉलो कीजिए, उसको एक तरह से कह सकते हैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए हमेशा, तो कभी ना कभी आपकी ये शंकाएं दूर जरूर होगी. तो हमेशा ध्यान रखिएगा शंका को आने नहीं देना है. हमेशा जहां लगे कि हाँ हम शंका कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहीं इंटरव्यू में कहीं कहीं चाहते हैं एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं शंका के माध्यम से एग्जाम्स उनका अच्छा नहीं होता. इंटरव्यू में बहुत ज्यादा होता है इस टाइप से कि एग्जाम आपके इंटरव्यू वो क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन करेगा, तो वहां पर अपने को शंका नहीं, जो अपने को आता है वो आता है, नहीं आता वो नहीं आता, दैट्स ऑल. ओके, दैट इज द मोटिवेशन स्कोर. आई होप आपके क्लियर हुआ. नेक्स्ट आइए, देखिए मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था आपकी न्यूज इंपॉर्टेंट रहती है जीके से रिलेटेड. जीके से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आपको न्यूज का कटिंग्स भी आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो कटिंग याद रह जाए. ओके, इसी के बेसिस पे प्रोवाइड करता हूँ. सेलिब्रेटेड पेंटर, एक पेंटर है एंड आर्टिस्ट भी है, और अकबर पटना से कि पास्ट अवे. ओके, ये आपकी जिनकी इनका देहांत हो गया है तो उनके बेसिस निधन हो गया है, तो उनके बेसिस पे ये कटिंग्स थी मैंने आपको लगा दी. क्वेश्चंस बनेगा 100% बनेगा. पेंटर थे, क्या थे आपके पॉलिटिशियंस से, इनका नाम देखिए आपको
पूछ सकता है कि क्या थे, पॉलिटिशियंस थे, पेंटर्स थे, एक्टर्स एक्टर थे, सारा का सारा पूछ सकता है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने प्रोवाइड किया। और इनका जन्म मैं आपको बता दूं बॉम्बे में हुआ था, ओके। इनकी बॉन्स आपकी इनका बर्थ है जो बॉम्बे में हुआ था, ओके। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? आपके क्वेश्चन 100% जीके का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अगर आप इवनिंग वाला सेशन देखते हैं मेरा भी, आपके जीके से रिलेटेड में सीरीज चल रही है, तो उसमें भी मैं क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब दोनों सेशन देखते हैं, 100% एग्जाम्स में आप कहीं नहीं, एक तरह से मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, आई गारंटी, ओके। नेक्स्ट आइए आर्टिकल्स पे। देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स ये है, सेकंड आर्टिकल्स आपका ये है, ओके। देखिए फर्स्ट आर्टिकल्स आपका रोड टू रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन इट मीन्स फैनेटिक हो, कट्टरता हो, उसको बोलते हैं। तो इट मीन्स ये आपके जो ईरान से, राइट, ईरान से कासिम सोलेमानी, उसकी डेथ के बेसिस पे, ईरान के बेसिस पे क्या चीज क्या कर, एक तरह से क्या पर्सन क्या चीज कर सकता है, कि कौन सा पर्सन इसमें इससे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो उससे भी ज्यादा उभर गए, एक तरह से कह सकते हैं नेगेटिव सेंस में, राइट, पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में। इसका मैं हमने सोचा नहीं था, ये बहुत सीधा सोता था, बट इन्हें ऐसा काम कर दिया। तो उसी से रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स में कहा गया आपकी कासिम सोलेमानी के बेसिस पे, अमेरिका के बेसिस पे बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में दिया गया, एक तरह से आइडियोलॉजी की बात की गई इस आर्टिकल्स में। इधर से मैं वो कवर निकाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप पढ़िएगा इस आर्टिकल्स को, ओके। कोई भी लगे डाउट्स तो पूछ लीजिएगा। एंड सेकंड आर्टिकल्स आपका है मनीष तिवारी, जो एक लेख, एक तरह से जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस आर्टिकल्स को लिखा है, देयर इज अ डिजेंस फ्लो विद दिस मिलिट्री पोस्टर्स, राइट। ये एक पार्लियामेंटेरियन है मनीष तिवारी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने आर्टिकल्स लिखा है मिलिट्री पोस्ट के बेसिस पे। आप मानोगे सीडीएस नियुक्त किए हैं भारत के पहले बिपिन रावत जी, ओके, उनको सीरियस बनाया गया है। तो 1921 सुब्रमण्यम कमेटी के माध्यम से बनाया गया था, उनकी कमेटी के रिकमेंडेशंस थी, तो उन्हीं के माध्यम से सीरियस नियुक्त किए गए हैं। अब की जो एक तरह से कह सकते हैं जो तीनों सेनाओं का एक प्रमुख रहेगा, ओके। तो उसी से रिलेटेड इस आर्टिकल्स पे कहा गया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, सीरियस नियुक्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारा का सारा फोकस उन्हीं पे नियुक्त होगा, एक तरह से मंत्रालय के ऊपर नियुक्त होगा, सारे की सारी रिपोर्ट है वो मंत्रालय के पास एक तरह से जा सकती है। तो रिलेटेड आर्टिकल्स में कहा गया। आई होप सो गाइस मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, क्लियर हुआ? जीके के क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर रिविजन्स कर दिए, 100% क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है पढ़िएगा इस आर्टिकल्स को, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में टाइप कराएं, ओके। नेक्स्ट आइए वोकैबुलरी पे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, राइट। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए रेडिकलाइजेशन इट मीन्स नॉन की थ्रू, तो यानी कि फैनेटिक समथिंग जिसको आप बोल सकते हैं कट्टरवादी को, उसको बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, नॉन की थ्रू, तो याद कर लीजिएगा। कंटिन्यूड वार यानी कि जो लगातार निरंतर वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है इन अफगानिस्तान, विल मीन्स कंटिन्यू रेडिकलाइजेशन इन पाकिस्तान, राइट। डेलिजेंस, डेलिजेंस इट मीन्स नाम की तरफ यानी कि पेंचर्ड समथिंग, स्ट्रगल समथिंग, जो स्ट्रगल हो, संघर्ष हो, उसको बोलते हैं डेलिजेंस, नाम की तरफ तो याद कर लीजिएगा। कि टैलेंट्स कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस एंड नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्युमुलेशन, राइट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने सारा का सारा वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस बेसिस पे मैंने एग्जांपल्स क्रिएट किए, किस बेसिस पे आपको मैंने हेल्प की है, किस बेसिस पे मैंने सेंटेंस जो क्रिएट किए हैं वो कितने एक अच्छे लेवल पे, रेगुलर बेसिस पे अपन लैंग्वेज यूज करते हैं, वो सेंटेंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। इंडॉक्ट्रिनेट, इंडॉक्ट्रिनेट आपकी परस्यूट समथिंग, एक्सोर्ट समथिंग, यानी कि किसी को परस्यूट करना, एक्सोर्ट करना, राइट, फॉलो करना, उसको बोलते हैं इंडॉक्ट्रिनेट, ओके। ही विल इंडॉक्ट्रिनेट यू टू आरबी, टीच यू टू फीड प्रॉपरली, ओके। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए वर्ड्स को अच्छे से लर्न करने का बेस्ट वे यही है कि इन सारे वर्ड्स का आप सेंटेंस क्रिएट करें, जितने अच्छे सेंटेंस होंगे उतनी जल्दी आपकी वोकैबुलरी पावर अच्छी होगी। मेंस में ओनली फॉर वोकैबुलरी, नो ग्रामर्स, नो अदर कॉन्सेप्ट्स, ओनली फॉर ग्राम, आपकी वोकैबुलरी रीडिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, तभी आप मेंस क्लियर कर पाएंगे, ओके। फोर्थ है इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट आपको मन में इट मीन्स आपके डिकोड समथिंग, एक्सप्लेन समथिंग, राइट, एक तरह से समझाना बुझाना, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेट, ओके, illustrate, okay, explain, समझाना, उसको बोलते हैं। The speaker said, speaker ने कहा, he would endeavor to illustrate, okay,
नेक्स्ट आपका होमिसाइड, इट मींस असैसिनेट समथिंग एंड आपके स्लेयर समथिंग, राइट, जिसको अपन एक तरह से मार देना उसको बोलते हैं पॉलिटिकल्स, पॉलिटिकल्स जिसकी हत्या कर देना उसको बोलते हैं होमिसाइड। एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन बन सकता है, माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज बताइएगा, असैसिनेशन समथिंग, किलर समथिंग, किलर आपके वर्ड्स एक यूज होता है, एक आपका मर्डर यूज होता है, अब मर्डर, तो इन तीनों वर्ड्स में व्हाट इज द डिफरेंस अमंगस्ट थ्री वर्ड्स, इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, दोनों का वर्ड्स एक तरह से माना ही होता है बट क्या मतलब हो सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके नेक्स्ट देखिए, द पुलिस अराइव्ड एट द सेंस ऑफ द होमिसाइड, राइट। नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इट मींस एडजेक्टिव होता है कि परसेप्शनल समथिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है कॉग्निटिव, एडजेक्टिव होता है याद कर लीजिएगा। Sentence actions is action is one of several interacting determinants of cognitive development. Okay. Next up the conceit. It means conciliate something, expect something. It means आपकी स्वीकार करना, admit करना उसको बोलते हैं. The firm should concede a significant salary increase to its employees. Right. Abrogations, it means removal something, यानी कि किसी चीज को हटा देना, मिटा देना उसको बोलते हैं abrogations, यानी कि 370 articles था जो abrogations हुआ था उसमें वहां पर अपन यूज कर सकते हैं। Measures for the abrogations shall be stipulated by the state councils. Okay. Cumulative, it means adjectives, यानी कि conglomerate, right? Cumulative यानी कि एकत्रित संचय जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, द एसेंशियल डिफरेंस, जो एकदम आवश्यक डिफरेंस है उसको बोलते हैं। ओके ओके, द एसेंशियल डिफरेंस, सिंगल स्टेप सिलेक्शंस एंड क्यूमुलेटिव सिलेक्शंस इन दिस, राइट, दीज आर द नाइन वर्ड्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, आई होप सो गाइस आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑब्ड्यूरेसी, ऑब्ड्यूरेसी आपके नाउन की तरह होता है, यानी कि ऑडेशियसनेस, इट मींस जो एकदम जिद्दी टाइप हो उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेसी। ओके सॉरी फॉर दैट, देखिए न्यूक्लियर वार्ड, न्यूक्लियर वार हेड हैज अ स्ट्रॉन्गर ऑब्ड्यूरेस व्हिच इंड्यूस मोर इफेक्ट ऑन सोसाइटी। ओके नेक्स्ट आपका रिसेप्टर, रिसेप्टर आपकी इमोशनल समथिंग, रेमेडी समथिंग उसको बोलते हैं रिसेप्टर। ओके इमोशनल भावुक हो जाना, रिमेडी यानी कि आप किसी चीज से प्राप्त कर सकते हैं, किसी को प्राप्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं, इट हैज रिसेप्टर प्रॉब्लम्स। ओके Concerted, it means tinctures something, बहुत ही अच्छा फर्स है tinctures, tinctures बहुत बार यूज होता है आपके examples, आपके जो close textures में, there appears to have been a very concerted attempt to keep things very secret, keep, that is the examples, I hope so guys आपके clear हो रहा होगा, अगर आपको समझ में आया, if you like the vocabulary words, if you like the sentence, if you like the by our fault, तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, कहां पर भी हो प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि एक तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है। ओके एंड सब्सक्राइब अभी तक भी आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ओके नेक्स्ट पाते हैं, आप नेक्स्ट में देखिए सारे वर्ड्स का रिविजन करेंगे, तो आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके radicalization, it means fanatic something, kattarvadi ho usko bolte hain radicalization. Okay diligence, it means punctilious and struggle something, right, jo sankarsh se rukbe usko bolte hain. indoctrinate, pursuit, exhort, pursuit karna, exhort karna usko bolte hain aapke indoctrinate. Okay illustrate, yani decode and explain something, right, samjhana ek tarah se usko bolte hain illustrate, right. होमिसाइड यानी कि किसी की हत्या कर देना, असैसिनेशन या स्लेयर समथिंग उसको बोलते हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इट मींस परसेप्शनल समथिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है कॉग्निटिव, एडजेक्टिव होता है याद करिएगा। कंसीड यानी कि कंसीलिएट समथिंग, एक्सेप्ट या आपके एक्सेप्ट करना, राइट, उसको बोलते हैं आपकी स्वीकार करना। नेक्स्ट आपका है एप्रोगेशन, रिमूवल्स हटा देना। क्यूमुलेटिव इट मींस कॉन्ग्लोमरेट, इट मींस शिंका एक तरह से क्यूमुलेटिव संचय जिसको बोल सकते हैं। ऑब्ड्यूरेसी इट मींस ऑडेशियसनेस उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेसी, हार्ड हो, जिद्दी हो।
विजिटर इट मीन्स इमोशंस एंड रेमेडी समथिंग ओके कंसल्टेंट यानी कि टिंचर समथिंग बहुत ही अच्छे वर्ड से कंसल्टेंट ओके प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड्स आई होप सो गाइस आपके क्लियर हुआ होगा अगर समझ में आया वर्ड्स कुछ भी वर्ड्स आपने सीखा है मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको एक तरह से वर्ड्स प्रोवाइड करने की तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस सेशन को लाइक कर दें शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल्स को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत